नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात, खुलेंगे नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज। बिहार के इन 10 शहरों में जल्द होगी हवाई सेवा शुरू। गैर सरकारी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा। बिहार में ध्वस्त पुलों के ठेकेदारों से वसूली जाएगी निर्माण रकम। आनंद विहार और नई दिल्ली के लिए पटना से चलेगी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आम बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात, खुलेंगे नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें बिहार को कई सौगात मिली है। बिहार के लिए नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। सदन में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में कई एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। बजट संशोधन के दौरान बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे और बोध गया में 2 लेन ब्रिज का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी। गैर सरकारी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा। स्व वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा संचालित एवं स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी नर्सिंग, फार्मेसी एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बी फार्मा वो एम फार्मा और पैरामेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कुल सचिव बिमलेश कुमार झा के अनुसार उक्त कोर्स सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट https://buhs.ac.in पर जाकर 19 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। बिहार के इन 10 शहरों में जल्द होगी हवाई सेवा शुरू। जल्द ही बिहार के 10 और शहरों में हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। उड़ान 5.2 योजना के तहत छोटे विमानों के लिए राज्य के 10 छोटे शहरों को विमान सेवा मार्ग से जोड़ने के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं। इसमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा को भी शामिल किया गया है। अब जल्द ही इन शहरों में एयरपोर्ट के विकास पर काम शुरू होगा और इसके बाद यहाँ हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इन शहरों में शुरुआत में 20 सीटर से कम क्षमता वाली फ्लाइट को उड़ाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को नागर विमानन मंत्री KR नायडू द्वारा सदन में यह जानकारी दी गई है। बिहार में ध्वस्त पुलों के ठेकेदारों से वसूली जाएगी निर्माण रकम। बिहार में बीते एक महीने में लगातार पुलों के गिरने के मामले में अब नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बीती 3-4 जुलाई को सीवान और सारण में गंडक और छड़ी नदी पर बने 6 पुल पुलिया ध्वस्त हो गई थी, जिसका अब निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा ध्वस्त हुए पुलों के निर्माण कार्य का जिम्मा पुल निर्माण निगम को सौंपा गया है। इन पुलों के निर्माण में 23.93 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे संबंधित संवेदक यानी कि ठेकेदारों से वसूला जाएगा। साथ ही संवेदक को उक्त नदी जोड़ योजना से संबंधित कोई भी भुगतान अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा अगली निविदाओं में भी इसे भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। विशेष अभियान के तहत 31 जुलाई तक बनाया जाएगा 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड। मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया है कि हर हाल में 31 जुलाई तक 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा सत्र के प्रश्नों को लेकर भी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 8.5 करोड़ लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। राज्य में अब तक लगभग 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 5.5 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना बाकी है। मंत्री पांडे ने बताया कि 18 से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विगत 4 दिनों में मात्र 2.5 लाख की कार्ड बनाए जा सके हैं, जिस वजह से उन्होंने अधिकारियों को इसमें गति लाने का निर्देश दिया है। आनंद विहार और नई दिल्ली के लिए पटना से चलेगी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन। आगामी
आगामी 1 अगस्त से पटना आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। 1 अगस्त से 29 सितंबर तक इस ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक गुरुवार और रविवार को इस ट्रेन को चलाया जाएगा। यह स्पेशल ट्रेन रात 10:30 बजे पटना से खुलेगी और अगले दिन शाम 3 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इसके अलावा पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल 2 अगस्त से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन पटना से रात 8:10 पर रवाना होगी और अगले दिन 12:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसके साथ ही पटना आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 3 अगस्त से परिचालित की जाएगी, जो 28 सितंबर तक चलेगी। यह ट्रेन शनिवार को परिचालित की जाएगी। पटना से 10:20 पर यह खुलेगी और अगले दिन शाम 3 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। सैलानियों के लिए जल्द खुलेगा नवादा का ककोलत जलप्रपात। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 29 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा के बहुप्रतीक्षित ककोलत जलप्रपात का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही ककोलत जलप्रपात के द्वारा सैलानियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारियां शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 16 करोड़ की लागत से ककोलत का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। वन विभाग नवादा इसकी कार्य एजेंसी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा भी ककोलत के उद्घाटन की जल्द ही संभावना जताई गई थी। हालांकि बता दें कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रडार पर रहेगी राज्य में चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार। गति सीमा लांघने पर लगेगी पेनल्टी। बिहार में अब सड़कों पर निर्धारित गति सीमा लांघते ही पेनल्टी लगाई जाएगी। बाइक, टेम्पो, कार वो अन्य गाड़ियों को 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक तेज चलाना अब दंडनीय होगा। गाड़ियों की रफ्तार पर अब रडार से निगरानी की जाएगी। इस पर बिहार पुलिस परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यातायात विभाग के बीच सहमति बन गई है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है और अगले सप्ताह से इसे पटना आरा बक्सर नेशनल हाईवे 4 लेन 1922, आरा मोहनिया नेशनल हाईवे 319 और आरा बक्सर नेशनल हाईवे 84 पर इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इसके पश्चात इसे स्टेट हाईवे, PWD और अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले के 6 आरोपितों की बढ़ी CBI रिमांड अवधि। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मेडिकल छात्र समेत 6 आरोपितों की CBI रिमांड की अवधि CBI के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय पांडे द्वारा 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। सोमवार को पेपर लीक मामले के अनुसंधानकर्ता CBI के अधिकारी अपने वकील के साथ पटना CBI की विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए थे। एम्स से गिरफ्तार मेडिकल छात्र चंदन कुमार, कुमार सानू, राहुल आनंद, कर्ण जैन, रांची के रिम्स से गिरफ्तार मेडिकल छात्रा सुरभि कुमारी और सुरेंद्र शर्मा को CBI की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। CBI की ओर से आवेदन दायर कर इन सभी 6 आरोपितों की रिमांड अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद सुनवाई हुई और इन सभी आरोपितों की CBI रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब CBI द्वारा इन सभी को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। सूचीबद्ध तरीके से आवेदनों को निपटाने का शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पटना DEO कार्यालय में नियमानुसार आवेदन का निपटारा नहीं करने के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। इस मामले में DPO सहित कई अन्य लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मियों द्वारा शिक्षा विभाग को मातृत्व अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बकाया वेतन भुगतान और सेवांत लाभ भुगतान जैसे मामलों के निष्पादन में शिकायत मिलने और जांच के बाद साक्ष्य मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही सोमवार को शिक्षा विभाग द्वारा पटना सहित सूबे के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी कर सूचीबद्ध तरीके से आवेदन के निपटारे का आदेश दिया गया है। BPSC की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 57 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। सोमवार को BPSC की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा संपन्न हुई। 19 से 22 जुलाई तक हुई इस परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं 4 दिनों में परीक्षा केंद्रों से 57 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कदाचार के मामले में गिरफ्तार इन अभ्यर्थियों को आयोग की आगामी परीक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं बता दें कि आयोग के मुताबिक परिणाम का प्रकाशन का लक्ष्य 15 अगस्त के आसपास रखा गया है। ये भी बताते चले कि सामान्य प्रशासन से 65% आरक्षण पर मार्गदर्शन मिलने के पश्चात ही परिणाम जारी किए जाएंगे।
अवधेश नारायण सिंह बने विधान परिषद के सभापति। मंगलवार को विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह के नाम की सभापति के रूप में घोषणा हुई। उन्हें सर्वसम्मति से सभापति के लिए चुना गया है। राजद से बराबरी देवी और माले से शशि यादव ने भी अवधेश नारायण सिंह को अपना समर्थन दिया। सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता राबड़ी देवी ने अवधेश नारायण सिंह को मंगलवार को आसन पर बिठाया। बता दें कि महीने भर पहले अवधेश नारायण सिंह को कार्यकारी सभापति बनाया गया था और मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी कि सोमवार को ही उन्होंने सभापति के लिए अपना नामांकन कर दिया था। जीतन सहनी की हत्या का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। बिहार की दरभंगा पुलिस इसकी तैयारी में जुट गई है। दरअसल अभी तक वो हथियार बरामद नहीं हुआ है जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई थी। ऐसे में पुलिस को मुकेश सहनी की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में समस्या आ रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक काजिम अंसारी बार बार अपना बयान बदल रहा है। गिरफ्तारी के दौरान काजिम अंसारी ने घटनास्थल के पास पानी के गड्ढे में हथियार फेंकने की बात कही थी, मगर पूरा पानी निकालने के बाद भी वहां से हथियार बरामद नहीं हुआ। इसके बाद उसने कई बार अपने बयान बदले हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब राज्य की सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। मंगलवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होने आए वाम दलों के विधायकों द्वारा सदन के बाहर पोस्टर दिखाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और आक्रोश जताया गया और साथ ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की गई। वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने लगा और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। हंगामे के कारण सदन पहले दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होकर सीएम पद से इस्तीफा दे देने की सलाह दी। बता दें कि सोमवार को ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में लिखित जवाब में कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का है आज जन्मदिन, फैंस दे रहे बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का आज जन्मदिन है। आज युजवेंद्र चहल 34 साल के हो गए हैं। चहल के जन्मदिन के अवसर पर फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बर्थडे विश कर रहे हैं। आइए आज हम आपको युजवेंद्र चहल के जन्मदिन के अवसर पर उनके करियर के कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। युजवेंद्र के नाम T20 इंटरनेशनल में भारत की बेस्ट बॉलिंग फिगर का है। साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ चहल ने 25 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। युजवेंद्र वनडे में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर भी हैं। कुलदीप यादव के साथ ही युजवेंद्र चहल भी T20 इंटरनेशनल सीरीज में 14 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। इसके साथ ही चहल वनडे में भारत की तरफ से दूसरे बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल करने वाले गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल एक लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, ये तो सभी जानते हैं। हम आपको बताते चले कि युजवेंद्र चहल न सिर्फ एक लेग स्पिनर गेंदबाज हैं बल्कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर भी हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद असगर कमाल, अनवर करीम खान, छोटू राजा, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, प्रेम कुमार प्रभात, गोनर शर्मा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, नंद कुमार सिंह, प्रदीप प्रेमी, सादुल्लाह पालवी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबुल मरांडी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के जन्मदिन पर आप उन्हें क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।